ले चुकी है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अब अपने कामकाज की रिपोर्ट जनता के सामने पेश करेगी। 40 दिनों के कामकाज का लेखा जोखा सूबे के मुखिया के साथ उनके मंत्री भी रखेंगे और इस बारे में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा से कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बहुत काम किया है। सीएम कमलनाथ ने 55 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा, पेंशन में वृद्धि, शहरी बेरोजगारी के लिए 100 दिन के बेरोजगार की गारंटी, भोपाल में देश भर में एयर कनेक्टिविटी शुरू करना, दावोस सम्मेलन से प्रदेश के लिए निवेश लाना जैसे तमाम उपलब्धियां कमलनाथ सरकार के खाते में दर्ज हुई हैं और इससे आम आदमी में सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में आखिरी पंक्ति के बीच व्यक्ति एक की जरूरतों का ध्यान रखा गया है और इसे पूरा करने का काम कमलनाथ सरकार लगातार कर रही है। निश्चित तौर पर 40 दिन का रिपोर्ट कार्ड अभी तक जितनी भी सरकारें रही होंगी उनसे बहुत आगे है। मध्यप्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में 55 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। जो वृद्धा और पेंशन थी, जो विधवा पेंशन थी, उसको बढ़ा के उन्होंने 300 से 600, 600 से 1000 करने का निर्णय ले लिया है। मनरेगा की तरह शहरी जो बेरोजगार हैं उनके लिए 100 रुपये 100 दिन की मजदूरी और 100 दिन का उनको रोजगार देने की बात की गई है। और भोपाल से पूरे हिंदुस्तान को एयर कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने एयरलाइंस बहुत सी ला के